तो दोस्तों मैं गया था समुंदर, तो मैंने इस तरह से घूम लिया। और घूमने के बाद फिर गया मैं एक मॉल, मॉल के अंदर का नज़ार मैं अभी दिखाता हूँ। लेकिन चलिए पहले रास्ता देखिए। रास्ते से इस तरह हमने साइकिल से निकल के हम जब पहुँचते हैं मॉल, तो हमें सबसे पहले दिख जाता है ये शूज़। ये शूज़ हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इस शूज़ की कीमत ज़्यादा होने के कारण हमने ख़रीदा नहीं। लेकिन फिर पहुँच जाते हैं हम बर्तन वाले एरिया में, तो हमें बर्तन दिख जाते हैं। और बर्तन बहुत ही अच्छे मुझे खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैं ख़रीद तो पाता नहीं हूँ, पर मैं इन्हें बहुत अच्छे से इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वो ले सके। और भी बहुत अच्छे अच्छे जिसमें चावल दाल रखा जा सकते हैं, चावल रखने वाला, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और उसके बाद में हम अपना पिक ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं हम शूज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और शूज हमें बहुत ही अच्छा लग जाता है। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं, दोस्त चश्मा लेने लगता है तो उसको तो फ़ोटो खींचने लगते हैं उसका चश्मा के साथ में। तो उसके बाद फिर हम और आगे निकलते हैं, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपना नीचे, इसे एक सेल्फी लेते हुए नीचे पहुँचते हैं। उधर हम जाए तो फ्रीजर के अंदर ये रखा हुआ हमें दिख जाता है मेहंदी वड़ा। उसके बाद हम फिर लेते हैं अपना पिक, और उसके बाद फिर हम अपने फ्रेंड से मिलने का वीडियो थोड़ा व्लॉग टाइप में बनाते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे गाड़ी वाड़ी बिक रही होती है बच्चों के लिए। फिर हम पहुंच जाते हैं जहाँ डम्मियों के पास, और डम्मियों के पास पहुंचते ही हमारा फ्रेंड लेने लगता है उनके साथ में सेल्फी। तो मैंने सोचा इसका क्यों ना वीडियो बना लिया जाए, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो इधर ही हमने वीडियो बना। इधर हमें दिख जाते हैं छोटे शेख, तो इन छोटे शेख का हम अच्छे से वीडियो बना लेते हैं। और उसके बाद हमें दिख जाते हैं थोड़ी देर में बड़े शेख, और बड़े शेख को हमने वीडियो बनाते ही हम फिर चले जाते हैं थोड़ा आगे। तो हमें इस बच्चे की डम्मी देखते ही बहुत ही अच्छा लगा, तो हम इसके पास आते हैं तो इसका पैंट हल्का सा उतरा हुआ होता है, तो हम इसका पैंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं। पैंट चढ़ाने के बाद हमने इसको दो तीन थप्पड़ भी लगाया, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं खुद का फोटो लेने। फोटो लेते लेते हमें ये सब बहुत अच्छा बर्तन चाहिए जिसको तो आके ले सकते हैं, किसी को ज़रूरत है तो ऐसे आ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं, और इधर कपड़ा भी बहुत अच्छा है। गैलरी इमरस नाम है इस मॉल का, और ये रासल खेमा में है, रासल खेमा के नकिल में। और ये बर्तन बहुत अच्छे, अभी फ़ोटो में तो इतना क्लियरिटी नहीं आ रही, बट वहाँ पर जब मैं खड़े होकर देखा तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। यहाँ पे पूरा जन्नत का नज़ारा लग रहा था, एकदम लग रहा था सोने के सारे बर्तन हैं। पर थोड़ी देर पहुँचने के बाद हम ऐसे पेड़ों के पास पहुँचे जो प्लास्टिक के पेड़ होते हैं, इन प्लास्टिक के पेड़ों का हम पूरा फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे ही बढ़ते हैं, तब हमें फिर और भी अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं। फिर हमने सोचा कि इसको पहले अच्छे से ही कैप्चर कर लेते हैं, अपना भी फ़ोटो साथ साथ में हम लेते जा रहे थे क्योंकि हमें अपना फ़ोटो भी लेना ज़रूरी था। उसके बाद हम निकल आते हैं बाहर, बाहर का कुछ नज़ारा ये होता, हमने साइकिल में ले के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम कुछ फिर से सेल्फी वेल्फी भी लेते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट डे हम पहुँच जाते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा लें। ये मच्छी हाँक रहा है समुद्र किनारे। समुद्र किनारे पहुंचने के बाद हम ऐसे नज़ारे में